आज हम भारत के भूगोल में भारत की नदियों के संबंध में ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से संबंधित अध्ययन के उपरांत 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों से निश्चित रूप से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को मदद मिलेगी। तो हम शुरुआत करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी है। इस नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित हिमनदों से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत की एक प्रमुख झील है जो संसार की बड़ी झीलों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, परंतु इससे पूर्व यह नदी तिब्बत के एक बहुत बड़े भाग से निकलती हुई भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह नदी अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ जो पर्वत श्रृंखला है उस पर्वत से ये प्रवेश करती है और नामचा बरुआ के निकट यह बृहत हिमालय क्षेत्र में 7,755 मीटर में इसका प्रवेश होता है और यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या दिवांग महाखड्ड बनाती है। इसे दिवांग नदी भी कहा जाता है और ये असम के सादिया के निकट यह समुद्र सतह से लगभग 135 मीटर ऊपर रहती है। भारत में यह नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। पूरे भारत में ये ब्रह्मपुत्र नदी इसका नाम है और यह बांग्लादेश में एक तीक्ष्ण मोड़ के बाद प्रवेश करती है। यहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र का जल ग्रहण क्षेत्र बहुत विशाल है। भारी बरसात के कारण यहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती है और बाढ़ के कारण यह नदी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा नुकसान भी करती है। इस नदी की एक प्रमुख विशेषता और भी है, यह असम में माजुली नामक स्थान पर जिस जो एक डिस्ट्रिक्ट भी है एक बहुत बड़ा नदी द्वीप बनाती है। यह पूरे एशिया का किसी भी नदी पर निर्मित बहुत बड़ा द्वीप है और इस माजुली द्वीप से संबंधित क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। असम में कई प्रकार की छोटी नदियाँ जो हैं उसकी सहायक नदियाँ हैं। भूटान से भी जो नदी निकलती है वो भी इसकी सहायक नदी हैं। अरुणाचल प्रदेश में एक पासी घाट है। इस पासी घाट से इसका टर्निंग पॉइंट माना जाता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं सुबनसिर, बारेली, मानस, तिस्ता, संकोश तथा रायदक। ये सभी नदियाँ ब्रह्मपुत्र के दाहिने तट से प्रवेश करती हैं और दिहांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग ये पूर्व दिशा की ओर से आती है और ब्रह्मपुत्र से मिलती है और धनश्री, कलांग और कापिली ये बाएं तट से आकर के ब्रह्मपुत्र से मिलती है। इनकी सहायक नदियों के संबंध में और ब्रह्मपुत्र के संबंध में और भी विशेष जानकारी हमें क्वेश्चंस के माध्यम से प्राप्त होगी। तो शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल या मुख्य स्रोत कहाँ है? यमुनात्री में है, गंगोत्री में है, मानसरोवर झील में है या रोहतांग दर्रे में है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मानसरोवर झील। ये मानसरोवर झील है, कैलाश मानसरोवर बहुत बड़ा तिब्बत का एक क्षेत्र है। इस झील से इस नदी का उद्गम माना गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? दिवांग, लोहित, सांगपो, जमुना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है,
ब्रह्मपुत्र नदी निम्न में से किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। यह अरुणाचल प्रदेश ही है जहाँ पासीघाट से ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश होता है। चौथा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? सोन नदी पर है, या गंगा पर है, बराक पर है, या ब्रह्मपुत्र नदी पर है? इसका सही आंसर बताएं। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। यह असम राज्य में स्थित है। माजुली एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये विहंगम दृश्य माजुली द्वीप का है। ये ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है और बहुत बड़ा नदी द्वीप निर्मित करती है। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? कैन नदी, तिस्ता, धनश्री, लोहित। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कैन नदी। कैन नदी इसकी सहायक नदी नहीं है। कैन नदी गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ ये हैं, सुबनसिर, बारेली, मानस, तिस्ता, संकोश, रायदक, दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनश्री, कलांग, कपिली। ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसमें मानस जो नदी है, यहाँ एक अभयारण्य भी है जिसे मानस अभयारण्य कहा जाता है। यह असम राज्य में स्थित है। छठा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी में पूर्व की ओर से आकर मिलने वाली नदियां हैं दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनश्री, कलांग, कपिली, मानस, तिस्ता, रायदक, सुबनसिर, बारेली और संकोश। बताएं इसमें सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है दिहांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग। ये म्यांमार बर्मा की ओर से पूर्व दिशा की ओर से ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। यह है अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। सातवां क्वेश्चन है, नागालैंड के माउंट जापो से कौन सी नदी निकलती है? कालदान नदी, बराक नदी, सुबानसिरी नदी, धनश्री नदी। इसका सही आंसर है बराक नदी। ये नागालैंड के माउंट जापो से निकलती है और मणिपुर होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश की ये प्रमुख नदी है जो बाद में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, बराक, पद्मा या मेघना? कौन सा आंसर सही होगा बताएं? जमुना, बराक, पद्मा, मेघना। इसका सही आंसर है जमुना। जमुना के नाम से जाना जाता है। नवा क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान मासिनराम व चेरापूंजी किस नदी के बेसिन में स्थित हैं? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, बराक नदी या फिर दामोदर नदी? इसका सही आंसर बताएं क्या है? इसका सही आंसर है बराक नदी। ये मासिनराम मेघालय में है और चेरापूंजी असम में है। ये जो दोनों प्रमुख स्थान हैं, ये जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है, ये बराक नदी के बेसिन पर स्थित है। निम्नांकित में से किस नदी के तट पर जलपाईगुड़ी शहर स्थित है? संकोश, कोसी, तिस्ता या हुगली? जलपाईगुड़ी एक प्रमुख शहर है। यह किस नदी पर स्थित है? यह तिस्ता नदी पर स्थित है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी असम की मीरी और अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती है? ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबानसिरी या धनश्री? कौन सी नदी है? इसका सही आंसर है सुबानसिरी। सुबानसिरी नदी जो है वो असम की मीरी और अबोर पहाड़ियों को विभाजित करती है। निम्नांकित में से कौन सी एक नदी भूटान की प्रमुख नदी है? धनश्री, संकोश, कालदान या सुबानसिरी? बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है
संकोष नदी, संकोष नदी भूटान की प्रमुख नदी है। बूढ़ी दिहांग निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। बूढ़ी दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ये पूर्व दिशा की ओर से आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी एक नदी म्यांमार या पूर्व बर्मा की मुख्य नदी इरावती नदी की सहायक नदी है? म्यांमार की मुख्य नदी इरावती नदी है और इरावती नदी का बहाव जो होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है। मणिपुर नदी, कालदान नदी, बराक नदी या रंजीत नदी, बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मणिपुर नदी। ये मणिपुर नदी जो है वो इरावती नदी की सहायक नदी है। धन्यवाद, आपने ये वीडियो देखा। इसके लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि इसके आगे भी जो महत्वपूर्ण वीडियो बनाए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।